नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में चक्कर आना, उल्टी होना या फिर कमजोरी होना, इन सभी सिम्टम्स को देख के कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि किन्हीं किन्हीं को चक्कर आता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं, या फिर ब्लड की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर किन्हीं और कारण के वजह से भी हो सकता है ये। तो देखिए, उसके ट्रीटमेंट में कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वन बाय वन सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर एक प्रैक्टिशन है, तो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखा जाता है कि उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके बाद देखा जाता है कि किन कारणों से ये हुआ है, उसके बाद उसके डायग्नोसिस के बारे में देखा जाता है, उसके टेस्ट के बारे में देखा जाता है कि ये कौन सा टेस्ट होगा उसमें, उसके बाद देखा जाता है कि ट्रीटमेंट कौन सा चलेगा। वैसे ट्रीटमेंट में दो प्रकार का होता है, एक IV ट्रीटमेंट होता है जो कि इंट्रावेनस दिया जाता है, दूसरा जो होता है ये ओरल ट्रीटमेंट होता है जो कि टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है, या फिर पाउडर के फॉर्म में, या फिर हो सकता है कैप्सूल के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देखा था साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। तो देखिए, चक्कर आना ये हो सकता है, या फिर बेचैनी हो सकता है, उल्टी हो सकता है, या फिर कमजोरी हो सकता है, या फिर सिरदर्द हो सकता है, पेट में जलन हो सकता है, या फिर बैक पेन, पीठ में दर्द हो सकता है, या फिर बार बार पेशाब आना, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। जनरली आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि ये सिम्टम्स जो है ये महिलाओं में अक्सर होता ही होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है ये। तो इन सभी लक्षणों को देख के आप समझ सकते हैं कि एक महिला में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और यहाँ पे कारण देखा जाता है कि आखिर क्या क्या कारण है इसमें। पहला तो होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है ये, दूसरा होता है BP के कारण, BP लो हो जाना इसके कारण हो सकता है, या फिर एनीमिया, खून की कमी में इसको देखा जाता है, इन सभी सिम्टम्स को। उसके बाद हो सकता है डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती है, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन, खाना की कमी हो जाना, तो खाने की कमी में भी ये सभी समस्याएँ देखी जाती हैं। उसके बाद स्ट्रेस लेना, तो उसमें भी देखा जाता है ये सभी समस्याएँ हो जाती है, या फिर पोस्चर चेंज, इसमें भी ऐसा समस्याएँ होती हैं। तो ये सभी समस्याओं में आपको देखा जाता है कि ये सभी सिम्टम्स आती हैं, और कारण क्या है, कारण यही सब हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर लो होना, डिहाइड्रेशन, एनीमिक कंडीशन, ये सभी समस्याएं के कारण हो सकती हैं आपको। तो देखिए, देखा जाता है कि अगर ये समस्याएं हो रही हैं तो ऐसे ही नहीं ट्रीटमेंट किया जाता है, पहले टेस्ट करवाया जाता है। कौन सा टेस्ट? तो इसमें CBC, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। इसमें आपके ब्लड के टोटल चीज़ों को बताया जाता है कि आखिर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, आपका ब्लड का जो शेप एंड साइज है RBC का वो कैसा है, कितने RBC हैं, कितने WBC हैं, कितना प्लेटलेट है, इन सभी चीज़ों के बारे में ये हमारा टोटल ये CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जो है ये बता देता है। तब उसमें देख के, रिपोर्ट देखने के बाद फिर लगता है कि नहीं, पेशेंट को ये समस्याएं हो सकती हैं, ये ब्लड की कमी के कारण हो सकता है, या फिर इसमें हो सकता है कि आपका WBC कमी है, या फिर देख सकते हैं कि इसमें RBC का कमी है। ये सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ही ट्रीटमेंट चलाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि एक शुगर टेस्ट भी होता है, इसको भी करवा लिया जाता है, क्योंकि इस शुगर के भी कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये अल्ट्रासाउंड जो टेस्ट है, ये किन्हीं किन्हीं में टेस्ट करवाता है जो प्रेग्नेंट हैं, और उनमें देखना है, बेबी को देखना है कि कैसा शेप एंड साइज है, कैसा ठीक है, या फिर एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, इन सभी चीज़ों को जब देखना होता है तब अल्ट्रासाउंड भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। वैसे दो टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो इन दोनों टेस्टों के वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बीमारी हो रही है इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अब उसके साइन एंड सिम्टम्स को देख के पहले तो IV ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसको IV ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब IV ट्रीटमेंट में क्या दिया जा सकता है, तो आप वहाँ पे NS, जो कि अगर उनका BP कम है तो उस समय NS का भी प्रयोग कर सकते हैं, और DNS का भी प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद RL का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये देखा जाता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसे है, तो पहले NS का उपयोग करें, हो सकता है तो इसमें अगर MBI का यूज़ कर सकते हैं तो MBI का, जो कि मल्टी विटामिन के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में, तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद एक आयरन सुक्रोज होता है, इसका भी डाइल्यूट करके दिया जा सकता है, मतलब NS में ही घोल के दिया जा सकता है। जनरली देखा जाता है कि अगर ये आप में कंफर्टेबल है तभी दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, क्योंकि ये आपके सभी के बॉडी में कंफर्टेबल नहीं होता है। ये आपके ब्लड को इंक्रीज करने का काम करता है, ये आयरन इंजेक्शन होता है, एक आता है हेम्पर के नाम से, उसको भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक पेंटॉप है, जो कि गैस अगर बन रहा है तो उसको कम करने का काम करता है। वैसे
रेंटेक को नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो पेंटोप्रा जोल ही यूज़ करें, पेनफोर्टी ही यूज़ करें। और अगर उल्टी जैसी समस्याएं हो रही हैं तो उस समय इमसेट का भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जो कि अवेलेबल होता है मार्केट में इजीली। तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट में दिया जा सकता है। वैसे अपने से इन सभी ट्रीटमेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए, हो सकता है प्रॉब्लम हो। ये उन्हीं लोग के लिए हैं जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं, उन लोग के लिए ये है। और मेरे बताया गया मेडिसिन को अपने से लेने का प्रयास ना करें, हो सकता है इससे प्रॉब्लम भी होगा। ट्रीटमेंट का बात करें तो ओरल ट्रीटमेंट में जो टैबलेट के फॉर्म में या फिर कैप्सूल के फॉर्म में या फिर आपके पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है। अगर उनको बुखार है, हल्का दर्द है, तो उस समय आप ये पैरासीटामोल जो है 500 mg या फिर 650 mg में यूज़ कर सकते हैं। आपको देखा जाता है कि आपका वेट कितना है, आपका वजन कितना है, आपका बॉडी का पोस्चर कितना है, मसल्स कितने हैं, उन सभी चीज़ों को देख के ही एज कितना है दिया जाता है इस टैबलेट को। तो ये आपका बुखार और हल्के दर्द को भी कम करने का काम करता है, आपका जो ये फीवर का मेडिसिन है पैरासीटामोल। उसके बाद देखा जाता है कि एक फॉलिक एसिड का टैबलेट भी दिया जाता है, जो कि आपके ब्लड को इन्हांस करने में मदद करता है। लेडी में जब सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है कि उनके ब्लड लॉस हो जाते हैं धीरे धीरे करते करते, और उन्हें एनीमिक कंडीशन रहता ही रहता है अगर वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते हैं तो उनमें ये फॉलिक एसिड का टैबलेट भी चला जाता है। उसके बाद फिर उल्टी जैसी समस्याएं हैं तो ओंडम जो इमसेट के नाम से अवेलेबल होता है 4 mg होता है, उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्रोटीन पाउडर जो है आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, तो उस समय ये प्रोटीन पाउडर भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक कैल्शियम टैबलेट, जो कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए, वो सारा कैल्शियम जो तो है वो मदर के बॉडी से बेबी के बॉडी में चला जाता है छोटे वाले बच्चों में, और ये ऊर्जा जो है ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये प्रोटीन पाउडर। तो अच्छे ब्रांड का, अच्छे क्वालिटी का ही लें। ऐसे मार्केट में तो बहुत सारा अवेलेबल होता है, जो कि सब सत्तू उसको बोलते हैं, वो होता है, कोई खाइए का कुछ काम नहीं करता। तो उन सभी चीज़ों से बचें, और ये जो अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का होता है उनको यूज़ करें, क्योंकि ब्रांड जो है आपको एक वैल्यू फॉर मनी देता है कि क्योंकि उनका ब्रांड भी तो ख़राब होता है अगर वो ख़राब मेडिसिन देंगे तो इसी के लिए आप अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करें। ये सभी ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं, और करने के बाद आपका जो पेशेंट है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। वैसे अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं या फिर हमारे वीडियोज़ के जितने भी लेक्चर हैं उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का प्रोसेस ये है कि नीचे दिया जो नंबर है उस पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। फोन कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल कीजिएगा तो बहुत लंबा सभी का कॉल वेटिंग में आने लगेगा। आप व्हाट्सएप कीजिएगा और लिखिएगा हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, आपको मैसेज कीजिएगा तो उसके साथ ही रिप्लाई आ जाएगा, और वहाँ पे 499 का पेमेंट करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत मेहनत से बनाया गया है। सारा PDF वहाँ पे सारा अवेलेबल है, और बहुत इजी लैंग्वेज में है, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही इजी लैंग्वेज में सभी को लिखा भी गया, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।